YouTube channel Gintara Maths. Today we discuss some problems of rational number and irrational number and surds and indices. Very important session is this. So let's stay tuned with Gintara Maths. First question is this. 2 minus under root 5. First question is rational और इरेशनल, रेशनल है या इरेशनल है ये पता लगाना है। देखिए सबसे पहली बात ये कि आप लोग ये वीडियो जो हम लाते हैं, ठीक है, इतनी 2:15 बज रहा है इस टाइम बना रहे हैं आप लोग, लेकिन उसको बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपके लिए फायदे के लिए है, आप इसको देखिए प्लीज, है ना। रेशनल है इरेशनल ये पता लगाना है। देखिए हमने बताया था आपसे कि रेशनल माइनस इनरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया आपका, पहला ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा ये, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 + √23 माइनस √23 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 क्या है आपका रेशनल है, ठीक है, ये रेशनल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लगातार देखते रहें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ये बेसिक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जी। देखिए 2 √7 / 7 √7 ये आपका रेशनल है कि रेशनल पता लगाना है। देखिए रूट से रूट कैंसिल हो गया, √7 √7 कैंसिल हो गया, 2/7, 2/7 को पता कैसे करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 × 2 = 14, 6 = 56, 4 ठीक है। तो ये नंबर आपका चलता चला जा रहा है, √7 / 2 √7 / 7 √7 तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये रिपीट कर नहीं रहा है, नॉन रिपीटिंग नंबर दिखा रहा है, तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। 2/7 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, देख लीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिजिट तक हमने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये इरेशनल है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको डिवाइड को आगे ले जाएंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ये नंबर रिपीट करने लग गया, 2 = 8 = 5 = 7 = 1 = 4 2 = 8 = 5 = 7 = 1 = 4 आगे फिर आएगा, फिर आएगा। तो इस हिसाब से ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप आगे तक इसको लेकर के जाएंगे, आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखना 2/7 का, तो ये रेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि ये डिजिट के बाद में फिर ये कंटिन्यू फिर से ये डिजिट रिपीट होने लग जाएगी, ठीक है। तो अगर इस डिजिट तक आप निकालेंगे तो ये थोड़ा सा 2/7 वाला नंबर है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में ज्यादातर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2/7 की बात आएगी तो ये रेशनल में नहीं आएगा, रेशनल में आएगा। अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, 7th डिजिट पे अगर हम डिवाइड करेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखा तो पता चला कि ये नंबर जो है रेशनल में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/√2 है, √2/√2 का मल्टीप्लाई करेंगे, √2/2 हो जाएगा, तो √2 आप जानते हैं कि ये इरेशनल होता है, तो ये इरेशनल ही आएगा,
नेक्स्ट है 2π, 2π क्या है, ये भी इरेशनल है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 करके होती है, तो ये आपका इरेशनल में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन थे नॉर्मल, आप एक केस याद रखेंगे 2/7 का, 2/7 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 6 डिजिट 7 डिजिट पे जाएंगे तो हम लोगों को ये चीज पता चल जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 + √3, 3 - √3, ये देखिए ये आपका दिया हुआ है a + b, a - b, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, a + b, a - b, a² - b² 9 - 3 6, ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। नेक्स्ट देखिए आप, आपको सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, बस आप स्किप मत करिएगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, देखिए अब यही क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है, और आपका दिया रहे अगर ऐसे करके तो कैसे करेंगे, देखिए ये वाला 3 है, इसको पहले 2 + √5 के साथ में, और ये वाला √3 है, इसको 2 + √5 के साथ में ऐसे लिखेंगे, 3 × 2 = 6 + √5 + 2√3 + √3 × √5, ये कितना हो जाएगा आपका 6 + √5 + 2√3 + √15, ठीक है। एक चीज यहां से हम लोग कॉमन दिख रही है, 3 है ये √3 है, √3 कॉमन आ जाएगा अगर हम ऐसा करना चाहें, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपका आंसर हो गया इतना, ठीक है। एक आंसर और भी हो सकता है, 6 + √3 कॉमन ले लो तो √5 + 2 और √3 भी, ये 3 बचेगा यहाँ पे, √3 √5 और ये √5, एक आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये आंसर रखें ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको समझ में ना रहा हो वो बैक करके देख ले, ठीक है। √3 + √7, ये माइनस लगा देते, ठीक है, एक माइनस वाला क्वेश्चन भी हो जाए, 2 - √7 + √3 - √7, देखो बेटा अगर यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पर माइनस होता तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगाते हैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो हम लोग यहाँ पर प्लस लगाएंगे, जो ये साइन होगा वही मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 4 - √7 + √3 - √3 × √7, ये कितना हो जाएगा 4 - √7 + √3 - 7 = 21, ठीक है, ये आ गया आपका, यहाँ से आप चाहें तो 2 कॉमन कर लें, तो 2 - √7 + √3, ठीक है, -√21, ये आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये तो ऐसे हो गया, कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस प्रॉपर्टी कौन सी याद रखनी है एक बार रिकॉल करा देते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, √a + √a क्या हो जाएगा, सॉरी √b क्या हो जाएगा, √a + √b, इसको साथ में ऐड करके लिखें तब भी ऐसे ही रहेगा, √a × √b क्या हो जाएगा, √ab, √a/√b, अपॉन से डिनोमिनेटर हमेशा हटा देंगे, ऊपर √b का मल्टीप्लाई √ab/b, √a × √a क्या हो जाएगा, a, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और एक प्रॉपर्टी याद रखना, √a का स्क्वायर करेंगे तो a ही आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है,
ये सारी प्रॉपर्टी है, आप एक बार जरा वॉच कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए जिससे हम लोग लाइव आ सके। लाइव आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। किसी ने कहा कि आप उस पर लाइव आ जाए, इस पर लाइव आ जाइए। देखिए फेसबुक पे लाइव आएंगे, हमको पता है इंस्टा पे लाइव आ सकते हैं, लेकिन हमें यूट्यूब पे ही लाइव आना है। और फालतू के प्लेटफॉर्म पे लाइव आने पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, ये सब खुराफात होती है। देखो अब बहुत कायदे से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, जरा इंक डाल लें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो सभी लोग इस चीज़ को गौर करिए, हम आपके लिए जो है कर रहे हैं, रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ को समझिए। अकेले मेरे करने से नहीं होगा, एग्ज़ाम हमको नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझना। ये आएगा क्वेश्चन ऐसे लिख करके, सिंप्लीफाई क्या, वन अपॉन अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। हमने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे अंडर रूट, अब कॉन्जुगेट समझो, पहले कॉन्जुगेट समझ लो। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट जैसे ये अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू दिया हुआ है, इसका निगेटिव अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू। आप ये भी कह सकते हैं कि सर अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट फाइव क्यों नहीं हो गया। देखिए बेटा, हम लोग कॉन्जुगेट ऐसा बनाते हैं कि जो नीचे जाकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो हमको पॉजिटिव वैल्यू दे, क्या दे, पॉजिटिव वैल्यू दे। तो देखिए जैसे अगर हम इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कराना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू का मल्टीप्लाई, अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू का मल्टीप्लाई कराया तो ए प्लस बी ए माइनस बी बना, तो फाइव स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव माइनस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री आ जाएगा। अगर छोटे वाले नंबर को माइनस नहीं करेंगे, बड़े वाले को माइनस कर देंगे तो पता क्या होगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर करेंगे तो टू माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी थ्री आ जाएगा। माइनस का ट्वेंटी थ्री हम लोग नहीं लाएंगे, हम लोग प्लस का ही लाएंगे, इसलिए छोटी वैल्यू जो होती है उसको माइनस कर देते हैं रूट के केस में, इरेशनल नंबर के केस में। तो कॉन्जुगेट होता है कि जो डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है उस वैल्यू को निगेटिव कर देते हैं हम लोग। बस इस तरह से निगेटिव करते हैं कि हम लोग क्या करते रहे, वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव मिल जाए। देखिए वन अपॉन अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू, अंडर रूट फाइव नहीं सॉरी फाइव रूट टू है, फाइव रूट टू इंटू फाइव माइनस अंडर रूट टू अपॉन फाइव माइनस अंडर रूट टू। तो छोटी वैल्यू क्या थी, रूट टू थी ना, रूट की जो वैल्यू होती है वो माइनस कर देते हैं। अगर अंडर रूट फाइव होता तो अंडर रूट फाइव होता, अंडर रूट टू होता तब भी अंडर रूट टू ही माइनस होता, क्योंकि अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू और फाइव का स्क्वायर फाइव, फाइव माइनस टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो बात को समझेंगे, अब क्या हुआ यहाँ पर, फाइव माइनस अंडर रूट टू अपॉन फाइव स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, ए प्लस बी माइनस बी, फाइव माइनस अंडर रूट टू अपॉन 25 माइनस टू, फाइव माइनस अंडर रूट टू अपॉन
23, तो ये कैसे लिख देंगे, 5/23 माइनस अंडर रूट 2/23, यही आपका आंसर हो गया। बस इसी तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से करने हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कोई दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग उठा के करते हैं, थ्री प्लस टू रूट टू, इसको करते हैं। देखिए थ्री माइनस टू रूट टू, ठीक है, अपॉन थ्री माइनस टू रूट टू, थ्री माइनस टू रूट टू अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, थ्री स्क्वायर माइनस टू रूट टू का स्क्वायर, ये कितना हो गया, थ्री माइनस टू रूट टू अपॉन नाइन माइनस, ये कितना हो जाएगा टू रूट टू, देखो टू रूट टू इंटू टू रूट टू, ये स्क्वायर लिखा था। शॉर्टकट कैसे करेंगे, टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर, और रूट टू का स्क्वायर कितना हो गया टू, तो फोर टू जा एट, देखिए टू टू जा कितना हो गया फोर, और रूट टू कितना हो गया टू, एट हो गया, तो ये कितना हो गया थ्री माइनस टू रूट टू अपॉन वन, यही आंसर आ गया आपका। इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अब हम लोग को कैसे क्वेश्चन करने हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस पे। लास्ट टर्म पे ये क्वेश्चन कुछ डिस्कस हुए थे, लेकिन वो लाइट का प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लेकिन अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास में। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 64 होल पावर 1/3, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व 64 है, फैक्टर करो, 2 3 जा 2 2 जा 2 6 जा, सो एज 2 1 जा 2 2 6 जा 12, ठीक था, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 होल पावर 1/2। हमने आपको बताया था a टू द पावर m, m टू द पावर n, तो क्या है a टू द पावर m इंटू n, तो 2 to the power 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6 यानी 2 to the power 3 8 आएगा आंसर। बात को समझिए, m यहां पर क्या है, m क्या है आपका 6, n क्या है आपका 1/2, 6 इंटू 1/2 होगा तो कितना हो गया 2 3 जा यानी कितना आया 3, 2 to the power 3 8, ये हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके नहीं आई है वो वीडियो को दोबारा से देख ले, बैक करके पहले वीडियो देखिए बाद में क्वेश्चन लगाइए, दोबारा देखिए आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 to the power 1/3, 8 क्या है, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, देखो 2 to the power 3 whole power 1/3, हमने बताया a टू द पावर m होल पावर n है, तो क्या लिख देते a टू द पावर m इंटू n, तो a टू द पावर m होल पावर n है, तो a टू द पावर m इंटू n, n कितना है 1/3, 3 3 कैंसिल, तो कितना हुआ 2 to the power 1 = 2 हुआ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए 256 है, कट करना आपको आना चाहिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 to the power 8,
होल पावर वन अपान एट चेंज कर देते हैं, होल पावर वन अपान फोर कर देते हैं, वन अपान फोर, ठीक है। तो टू टू द पावर एट इंटू वन अपान फोर हो जाएगा, फोर टू जा एट, टू टू द पावर टू यानी कि इतना हुआ फोर, फोर आंसर आ गया ये आपका। बात समझ में आपकी आई होगी, बहुत अच्छे से आ रही होगी, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बात समझ में आए। नेक्स्ट देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये ठीक है 125 कितना है, किससे कट जाएगा, 5 से, यानी 5 टू द पावर 3 होल पावर 1 अपॉन 5, तो 5 टू द पावर 3 अपॉन 5 यही आंसर हो गया। क्यों, 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 5 टू द पावर 3 था, तो 3 इंटू 1 अपॉन 5 होगा ना, तो 3 इंटू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, यही आंसर आपका हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है कि हम लोग अभी किस प्रॉपर्टी पे काम कर रहे थे, हम लोग अभी काम कर रहे थे इस प्रॉपर्टी पे, आप हेडिंग लगा लेना, ये सारे क्वेश्चन जहां किए हैं वहां हेडिंग लगा लो, प्रॉपर्टी a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इनटू n, इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आप प्रॉपर्टी नेक्स्ट लगाइए, पता क्या, अब आप प्रॉपर्टी लगाइए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ये प्रॉपर्टी लगाइए। देखिए 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर, रुक जाइए, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए a टू द पावर m, a टू द पावर n, तो a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n यानी 3 प्लस 4, 2 टू द पावर 7 कितना हो जाएगा, 128, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका, इस टाइप की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, फाइव टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे, 625 आएगा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी आप देखो दोनों प्रॉपर्टी को मिक्स करके कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू होल पावर 2, तो कैसे आ गया, 2 टू द पावर 3 टू जा 6 इंटू 2 टू द पावर 4 टू जा 8, 2 टू द पावर 16, ये m इंटू n, m इंटू n, अब ये आ गया, अब m प्लस n, दोनों प्रॉपर्टी का मिक्सअप हो गया। यहाँ क्या था, a टू द पावर m होल पावर n लग रही थी, यहाँ पर जब हम आए तो हमारे पास क्या लग रही है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इतने कम समय में आपको कोई नहीं इतनी जल्दी पढ़ा पाएगा, और इतने एकदम क्वेश्चन बना बना के आप अगर ना देख पाए आपका दुर्भाग्य है, आप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, कोई भी नंबर दिया हो उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, कोई भी वैल्यू दी हो उसकी पावर 0 है आंसर क्या आ जाएगा, 1, कुछ भी इसमें नहीं करना है। अगर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर माइनस n, और a टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस n, अगर नीचे प्लस का है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस का है नीचे जाएगा माइनस हो जाएगा, ऐसे समझ लो, कोई आदमी ऊपर खड़ा है, ठीक है, नीचे जीने उतरेगा तो भी एनर्जी जाएगी, नीचे से ऊपर आएगा तो भी एनर्जी जाएगी, एनर्जी की जाएगी तो माइनस साइन ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये 5 टू द पावर 6 था, ये क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 5 टू द पावर माइनस 6, ठीक है, इसको लिख दिए, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, use 5 to the power 6 in denominator form, ठीक है, तो डिनोमिनेटर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, माइनस सिक्स, बस खत्म। नेक्स्ट क्या है, एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए,
अच्छी प्रॉपर्टी है, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। अब देखिए 3 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4। 3 टू द पावर 4 होता है 81। 4 टू द पावर 6 अपॉन 4 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3 64। बस पावर एंड इंडेक्स के क्वेश्चन खत्म, पावर एंड इंडेक्सेस बिल्कुल खत्म हो गया है, रेशनल पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया है। जो भी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं ग्राफ वगैरह के वो बाद में डिस्कस होंगे, देखते हैं कैसे क्या करना है, क्योंकि इस पे ग्राफ प्लॉट नहीं हो सकता तो वो बाद में देखेंगे। अब देखते हैं कि हम लोग क्या अप्रोच रहती है, क्या दिक्कत रहती है। हम यूट्यूब चैनल गिनतारा मैथ्स, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम लोग तैयार हैं कुछ इनोवेटिव करने के लिए। आज हम लोग थोड़ा सा पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। वैसे आज हम लोग कोरोना पे जो चीज़ें हैं उस पॉइंट को पहले डिस्कस करेंगे। ये वीडियो भी स्किप मत करिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको हम बताने जा रहे हैं जो हमने एनालाइज किए हैं खुद से। ये जो लोगों ने आपको बताए हैं, लोगों ने आपको जो टीवी एड्स देखे हैं उससे हटकर के कुछ नॉलेज होगा। हर इंसान कुछ ना कुछ सोच सकता है नया, जरूरी नहीं है कि सब इधर उधर से देख के ही सोचें, है ना। तो जो आज 18,000 19,000 के आसपास कोरोना संक्रमित लोग पहुंच गए हैं, देखिए अभी तक चल रहा था खेल, अब बनने लगी है रेल। क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि जिसको कोरोना है, ठीक है, वो समाज का मान लिया सबसे पिछड़ा आदमी है, बहुत गरीब है या उसको कुछ नॉलेज नहीं है, जिसके घर में रेडियो तक नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो इंसान कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम निग्लेक्ट है, जैसे सब्जी वाला जिसको ये तक नहीं मालूम है कि कल हमारे घर पे खाने को क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इस टाइप के जो लोग हैं, बाय द वे या कहना चाहिए बाय डिफॉल्ट उन लोगों को कोरोना हो गया, संक्रमण हो गया। पैसे लेने से सबसे ज़्यादा तो करेंसी पे दिक्कत है। पैसा आ रहा, मान लिया आप केरला से कोई आदमी है, उसने पैसे को बैंक में जमा किया, बैंक के थ्रू कहां से कहां पैसा पहुंच जाता है आप सभी जानते हैं। लोग नहीं चल रहे हैं लेकिन पेट्रोल और दुनिया भर के टैंकर्स वगैरह तो चल ही रहे हैं, सप्लाई कुछ ना कुछ तो हो ही रही है, पैसे चल रहे हैं। अब सबसे फैक्ट ये है कि जो वो आदमी जो बिल्कुल समाज में नीचे तबके का था, वो जब इधर उधर जा रहा है, इससे मिल रहा है उससे मिल रहा है, उसको पहले तो खांसी जुखाम बुखार से वो लड़ने का आदि है, उसको लगता ही नहीं है, उसके दिक्कत तो हमेशा बॉडी में बनी रहती कुछ ना कुछ, क्योंकि वो गरीब है, इतना इलाज करा नहीं सकता। थोड़ी सी खांसी आ गई उसको, उसको लगा ठीक हो जाएगी, गले में दर्द हुआ उसे लगा ठीक हो जाएगा, उसके मान लिया कि फीवर है तो उसने सोचा कि 2-3 दिन दवाई खाएंगे सही हो जाएगा। अब जो दवाई झोला छाप दवाई होती है, वो लोग झोला छाप दवाई जानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, बोलो दवाई जो लोग खा लेते हैं उसके बाद में होता ये है कि उसका जो अटैक होता है वो फालतू के लीवर फंक्शन पे इधर उधर, अगर कोरोना वाला ये उल्टी दवाई खा लेता है तो उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है, आपने मोदी जी से भी सुना होगा ये चीज। तो अब जो ये छोटे छोटे लोग हैं ना, ये बेचारे नहीं जान पाते, अपनी जिंदगी से हाथ धो लेते हैं और क्या करते हैं कि इधर उधर बांट भी देते हैं। 14 सब्जी वाले कानपुर में 14 सब्जी वाले जो है वो अनवरगंज साइड में कोरोना संक्रमित थे। अब आप बात को समझिएगा, करना क्या है, करना ये है कि हम लोगों के यहाँ रमजान में लोग रोजा रहते हैं, नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहते हैं, हम लोगों के अंदर इम्यूनिटी है, स्टेमिना है, हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे सुधारों से। क्या कर सकते हैं कि सब्जी खाइए, बिल्कुल मनाही नहीं है सब्जी खाइए, लेकिन सब्जी कैसी खाइए, आप मार्केट जाइए एक लिस्ट तैयार कीजिए, मार्केट का मतलब जो सब्जी वाला वो परचून की दुकान होती है घर के पास में जो दुकान है उसके पास जाइए, आप 15 दिन का ले लीजिए राजमा छोला चना अरहर मूंग ये ले लीजिए आप
छोले की सब्जी बनवाइए घर पे, और राजमे की सब्जी बनवाइए, दाल बनवाइए, चावल बनवाइए। किसने कहा तोरई लौकी भिंडी नहीं खाओगे तो मर जाओगे? मत खाओ, थोड़े दिन 15 दिन मत खाओ, चीज़ें अपने आप नॉर्मल होनी चालू हो जाएंगी। पहली बात है कि बाहर निकलो ही नहीं, एक इंसान को भेज दो झोला लेकर के घर से, ठीक है? वो झोला जो है, पहली बात समझना, वो झोला जो आ रहा है, जो उसके अंदर सामान आ रहा है, दिक्कत वहीं से ही है। आप उस झोले को अंदर ले आते हैं, ठीक है? पहली बात तो उसको कहीं रखिए नहीं, आए घसीटते हुए इसको जमीन पर रख दिया, नहीं रखना है उसको जमीन पर। उस झोले से सामान आप किस में रखिए, एक आप बना लीजिए क्या टब ऐसा, टोकरी ऐसा, उसमें आप उस सामान को डाल लीजिए, ठीक है? उसके बाद में वो जो झोला है उसको आप डिटर्जेंट के अंदर डाल दीजिए, उसको कहीं रखना नहीं है, हाथ अच्छे से धोइए। जैसे बिस्किट का पैकेट है, तेल का जो है वो होता है पाउच होता है बड़ा सा 1 लीटर वाला या रिफाइंड का, उसको भी आप धो सकते हैं, दाल को आप नहीं धो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि घर में जो है धूप कहीं आती होगी वहाँ आप रख सकते हैं उस दाल को। 1 घंटे का काम है, आप कर लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा जो पॉलीथीन वगैरह जिसमें उसने की है वो सब खोल खाल के उसको आप फेंक दीजिए और हाथ अच्छे से धो लीजिए। दूध का ये है कि दूध आप एक बार ले आइए जा करके, 4 दिन चलाइए उस दूध को। कैसे चलाते? मिल्क पाउडर का डब्बा ले लीजिए, नहीं दूध पियोगे तो मर नहीं जाओगे कोई, समझे? दूध का एक डब्बा ले लीजिए, 4-5 दिन चलाइए उसको, ठीक है? या पैकेट ले लीजिए दूध का, ज़्यादा नहीं है तो नींबू वाली चाय पीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 15 दिन आप घर से बाहर निकलिए, लोग ऐसे बाहर निकल जाते हैं, अरे कुंडा छूओगे गेट का ना, घुमाओगे ना 4 बार 50 बार, तो उससे भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है, क्योंकि वो जो है अभी WHO ने कहा था कि 1 मीटर की डिस्टेंस पे रहना है। कितनी मीटर की रहना है? 1 मीटर की। अब उसने कह दिया 6 मीटर की डिस्टेंस पे रहना है। बाय द वे लोगों को नहीं पता है मान लो, और कोरोना वायरस हवा में भी उड़ता है मान लो, और WHO को नहीं पता है, बाय द वे वो हवा में उड़ रहा है और आपको जो है लोहे पर वो पहुंच रहा है और आप उसको छू रहे हैं बार बार, तो आपके लिए नुकसान की बात है। ये मान के चलिए वो कुछ भी कहीं भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। कूलर बाहर अगर लगा है गेट, कुछ लोग होते हैं सड़क पे कूलर लगाते हैं, जगह नहीं बेचारे क्या करें, सड़क पे मत लगाइए, अभी इतनी गर्मी नहीं हो रही है, कुछ थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर लगाना है तो अंदर लगा लीजिए, इतना ज़्यादा नहीं है मौसम खराबी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, बस खाने पीने का ध्यान रखिए और बाहर मत निकलिए, ठीक है? जितनी अफवाह है, मीडिया है, मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता ये कितना बड़ा मार्केट है मीडिया का आज के दौर में, कितना बड़ा क्या है, वो क्या क्या बात कर रहे हैं आपको कुछ नहीं पता है। एक लाइन उनको न्यूज मिलती है कि ऐसा हो गया, उस एक लाइन को वो एक पूरी किताब बना देते हैं और आप लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, दिमाग खराब होता है, दिमाग में कूड़ा भरता है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि अपना टाइम पढ़ाई में, गेम्स में, घर में पापा मम्मी के साथ बैठ के वगैरह वगैरह टाइमिंग में अपना जो है अच्छा टाइम दे सकते हैं, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए और बाहर निकलिए नहीं। बाहर निकलने में देखिए कोई दबंगा ही नहीं है कि ये बाहर निकल रहे हम निकल जाएंगे तो बहुत बड़े हम खलीफा हो जाएंगे। देखो जिसको जाना है, लोग कहते हैं हमें होना होगा तो हो जाएगा, अरे यार ये फालतू की बात है, अपना बचाव भी तो करो, और तुम्हें होना होगा हो जाएगा, लेकिन तुम आए होने से घर वालों को तो ना हो पता लगा, तुम्हें तो हो गया, तुमने बांट दिया सबको, ये भी तो बात है। तो कोई नहीं जाए, बाहर नहीं जाना है, हमको अपना काम करना है, जो हमारा काम है, जो हमने बात बताई है उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। सब्जी वब्जी बाहर, ये खीरा ककड़ी वगैरह भी मत लीजिए, क्यों? लौकी है, जैसे लौकी उसने देखी किसी ने, जैसे मालूम पड़ा सब्जी वाला निकला, 50 लोगों ने एक लौकी टच की और ऐसे नाखून लगा के चेक किया कि ये जो है लौकी कैसी है, मुलायम है, उस नाखून में तो सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, लौकी इन्फेक्शन हो गया लौकी में, अब वो लौकी से तुम्हारे अंदर आ गया। तुम 50 बार दुकान गए सप्ताह भर में, 50 नोट मिले, कोई न कोई एक नोट में मान लिया कोरोना वायरस हुआ, तो क्या करोगे, क्या करोगे? तो उसके बाद में आप बाहर निकल रहे हैं, बगल से कोई आदमी निकल रहा है, बीड़ी पी रहा है, कुछ पी रहा है, कुछ कर रहा है, उसके जन्म साक्ष्य में आगे क्या कर लोगे? होने का कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान पहले से नहीं जानता है, ठीक है? जब सुबह होती है तो शेर जो है वो सुबह ये सोच के
बाहर निकलता है कि आज अगर मैं तेज नहीं दौड़ूंगा तो आज मुझको शिकार नहीं मिलेगा। और हिरन ये सोच के बाहर निकलता है कि अगर आज मैं सतर्क नहीं रहूंगा, तेज नहीं दौड़ूंगा तो किसी का इंतजाम बन जाऊंगा। इसलिए आप उस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है, बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे अपना। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास।